नमस्कार, मैं डॉक्टर सिद्धार्थ गुप्ता आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं 10 न्यूज नेटवर्क के माध्यम से। आज मेरे साथ एक विशेष मेहमान, विशेष पैनलिस्ट जुड़े हुए हैं, श्री मोहन बड़ाइक जी, प्रेसिडेंट मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी, नेशनल एडवाइजर एंटी कोरोना टास्क फोर्स, और साथ में माननीय मंत्री जी के कई बार रिप्रेजेंटेशन करते रहे हैं और करोड़ों के मसीहा भी हैं। मोहन साहब, आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत 10 न्यूज को समय देने के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। बराइक साहब, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप प्रेसिडेंट हैं मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी के। मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी सब ट्राइबल्स के लिए ही रहती है और इतना कार्य करती है जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल पे, स्टेट लेवल पे आपको सबका सहयोग प्राप्त रहता है। आप खुद एक बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी हैं। इसमें किस तरह अब वैश्विक महामारी के दौरान अपने फैमिली, अपनी कम्युनिटी से, अपने परिवार के लोगों से, उन सबका कैसे मनोबल बढ़ा रहे हैं और क्या क्या इस समय उनसे चर्चा चल रही है? सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें न्यूज, आपके जो 10news.in पर आमंत्रित किया है, इसके लिए मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हम अपने जितने भी संबंधी हैं, अपने देश की और सभी जनता हैं, हमारे घर परिवार के अतिरिक्त इस कोविड से जो फाइट कर रहे हैं, जो जूझ रहे हैं, उनको जागरूक करने के लिए हम अपने सोशल मीडिया के थ्रू ही हम लोग उन सभी को जागरूक कर रहे हैं। और जागरूकता ही बचाव है, ये सभी जानते हैं कि महामारी से बचने के लिए जागरूकता बहुत जरूरी है, यही सबसे बड़ा हथियार है। तो इस वैश्विक महामारी में अभी तक हम लोग अपने संपर्क में जितने भी लोग हैं, देश के कई महानगरों में, कई राज्यों में, हर पंचायत में, हर प्रखंड में ऐसे ऐसे हमारे लिंक हैं, वहां पर हम इस सोशल मीडिया के तरह से इस जागरूकता को फैलाने का काम कर रहे हैं और उस महामारी से बचने के उपाय बता रहे हैं कि कैसे अपने आप को सुरक्षित बचाया जा सके इस महामारी से बचने के लिए। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, कोरोना वॉरियर्स हैं, वो बराबर टेलीविजन में, न्यूज़पेपर में, हर जगह इसके लिए बराबर जागरूकता कार्यक्रम देते आ रहे हैं। उन सब की जानकारियां हम उन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं इस महामारी से बचने के लिए। और ऊपर वाले की कृपा से हम चाहेंगे कि इस कोविड महामारी जल्दी से जल्दी इस देश से खत्म हो जाए और हम लोगों को इस मुसीबत से छुटकारा मिले और आगे देश एक तरह से रुक गया है, आज की डेट में पूरी तरह से थम गया है, सबका जनजीवन अस्त व्यस्त है, ये पुनः सुचारू रूप से चालू हो। जी मोहन जी, सरकार द्वारा देश में आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम वर्ग के व्यापारियों के अतिरिक्त पिछड़ी, अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के भविष्य के लिए यह योजना कहां तक कारगर साबित होती आपको दिखाई दे रही है? देखिए, जैसे कि पिछली बार इसी चैनल पर माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री अपने जुएल उरांव जी इस विषय पर इस सवाल का उत्तर दे चुके हैं और जिस प्रकार से उन्होंने इस सवाल का उत्तर दिए हैं कि सरकार हर वर्ग के लोगों के लिए, हर जाति धर्म के लोगों के लिए कार्य कर रही है
और कई योजनाएं चालू की हैं, तो हम इस पर बहुत ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, क्योंकि ये डेवलपमेंट और विकास ये सभी कार्य भली भांति सरकार कर रही है, और हमें उम्मीद है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस वैश्विक महामारी से देश में आए संकट में जो सफर कर रहे हैं उन लोगों को उबारने के लिए बहुत ही अच्छे निर्णय लेंगे और लोगों को इस समस्या से समाधान दिलाएंगे। बेरोजगार तो हुए हैं, अभी देश में बहुत सारी समस्याएं हुई हैं, इन सभी लोगों को धीरे धीरे उनका समस्याओं का हल होगा और देश आगे बढ़ेगी। आप झारखंड से खास ताल्लुकात रखते हैं, आपकी कर्म भूमि जी झारखंड में मानी जी जाती है, वहां पे जी कैसर योजनाएं हैं, तैयारियां हैं इस आपदा से निपटने के लिए और अपनी प्रगति को गतिशील बनाने के लिए? देखिए, पूरे देश में इस बचाव कार्यों को लेकर हर जगह बहुत ही माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ही अच्छे ढंग से, अच्छे तरीके से कार्य सुचारू रूप से चल रही है। जिले प्रशासन से लेकर हर तरह केंद्र के सभी पदाधिकारी इस काम में लगे हुए हैं, और आज की डेट में जितने भी प्रवासी मजदूर हैं और इससे प्रभावित लोग हैं, उनको बचाव के लिए, उनके बचाव के लिए अच्छी पहल की जा रही है। आपने हमेशा से ट्राइबल्स का हित सोचा है, भला करा है, और कितने ट्राइबल्स को आपने आत्मनिर्भर भी बनाया है, इसमें कोई शक की राय नहीं। जितना कार्य आपने करा है मेरे ख्याल से इतना, और शायद हमारे अर्जुन मुंडा साहब भी, जो हमारे जनजातीय मंत्री हैं, वो भी आपसे टाइम टू टाइम विचार विमर्श करते रहते हैं। अब इस समय कैसी उपस्थिति, आप उनको क्या क्या गाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम सबने देखा है आपके जो मशाल के जो महोत्सव होते थे, जो कर्मा महोत्सव होता था, उसमें जितने जितने आप सब लोगों का सम्मान, अति सम्मान, और उसमें नई नई योजनाओं का जो आप करते थे शुभारंभ भी हुआ करता था। अब कोविड के रहते हुए इतना तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो किस किस तरह की चीजों पे चर्चा चल रही है? डॉक्टर सिद्धार्थ, देखिए, आपने जिनका नाम लिया, माननीय अर्जुन मुंडा जी, जुएल उरांव जी और अपने माननीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, ये सब मेरे आदर्श हैं, ये हमारे मार्गदर्शक हैं, और इनकी हम बहुत इनके कार्यों की सराहना करते हैं, उनके पगों पर, उनके रास्तों पर हम चलने का कोशिश करते हैं, उनके बताए रास्तों पर चलने का कोशिश करते हैं, और उन्हीं के मार्गदर्शन में हम जितने भी काम करते आए हैं, ट्राइबल वेलफेयर का काम, चाहे जितने भी ट्राइबल आर्ट एंड क्राफ्ट और संस्कृति को यहाँ बचाए रखने के लिए हमने जितने कर्म महोत्सव की आपने जहाँ तक बात किया, इन इन कार्यक्रम को करने के लिए उन सबका आशीर्वाद है और उन सबका मार्गदर्शन माननीय अर्जुन मुंडा जी के द्वारा दी गई है। और हमारे दिल्ली में हमारे ट्राइबल्स की संख्या करीबन 2001 के जनगणना के अनुसार 15 से 20 लाख आबादी दिल्ली के अंदर निवास करती है, ट्राइबल जनजातीय समुदाय। तो इतनी बड़ी संख्या होने के बावजूद भी यहाँ पर ट्राइबल्स को कोई किसी तरह का कोई आरक्षण नहीं है दिल्ली के अंदर, और ना ही मतलब इनका स्टेटस है। आज दिल्ली के अंदर में जनगणना का निकाल के देखिए, दिल्ली में ट्राइबल्स का कोई स्टेटस नहीं है,
आदिवासी तो यहाँ है, ट्राइबल्स तो यहाँ दिल्ली के अंदर में है 15 से 20 लाख, लेकिन स्टेटस नहीं है। तो इस स्टेटस स्टेटस की मांग को लेकर हम लोगों ने कई बार सरकार से, इस बार मतलब सरकार से स्टेटस की मांगों को लेकर हमने जंतर मंतर और धरना प्रदर्शन हर जगह किया है और करते आ रहे हैं। अपने अधिकार और हक की रक्षा को लेकर अभी भी हम लोगों की लड़ाई जारी है और हमारे जितने भी सामाजिक परंपरा है दिल्ली में, हम लोग प्रत्येक वर्ष यहाँ का जो जितना ट्राइबल फेस्टिवल होता है, आदिवासी कला और संस्कृति को बचाए रखने के लिए हम लोग समय समय पर इसका आयोजन करते आ रहे हैं। इन सब आयोजनों में माननीय जनजातीय मंत्री माननीय अर्जुन मुंडा जी, चाहे पूर्व जनजातीय मंत्री जुएल उरांव जी और बाकी ट्राइबल मिनिस्टर जितने भी हैं, सभी लोगों का साथ है और उनका मैं धन्यवाद करता हूं और साथ आगे भी देते रहते हैं और देते रहेंगे। और इस संस्कृति को हम यहाँ पर आगे बढ़ाएंगे क्योंकि इतने पॉपुलेशन है ट्राइबल का और आज उनको, उनके बच्चों को, दिल्ली में रहने वाले जितने भी ट्राइबल्स बच्चे हैं उनको अपनी संस्कृति और परंपराओं के बारे में ज्ञान नहीं है और यही वजह है कि हम लोग यहाँ पर इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन साल में हर समय करते रहते हैं। और कई बार आप भी इस कार्यक्रम में, आपको भी आने आकर हमारे कार्यक्रम में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, आपको भी इसके लिए धन्यवाद देते हैं हम। नहीं, जो भी हमसे बन पड़ता है कैंप, हेल्थ रिलेटेड कैंप लगाने के लिए, तो वो तो करते ही है, वो एक विशेष उसका महत्व रहता है। आपकी अर्धांगनी बेटर हाफ श्रीमती रोजीना जी भी आप जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुत ज्यादा जितना भी बच्चों से लेके बड़ों तक का जितना भी वो करती हैं और इस समय वो अपने कार्य कैसे कर पा रही हैं और इस समय उनका जो क्योंकि इतना बड़ा सोशल सर्किल है, इतना साथ उन्होंने कंट्रीब्यूशन करा है नेशन की प्रगति पे, इस समय वैश्विक महामारी के दौर में वो किस तरह से अपना वर्क को आगे जारी कर पा रही हैं? ना बिल्कुल, अभी अपने लेवल पर वो काम कर रही हैं, अपने लेवल पर लोगों को जागरूक करने का काम कर रही हैं और चूंकि और एक माँ भी हैं तो पढ़ाई लिखाई में भी वो घर में बच्चों का ध्यान रखती हैं साथ साथ में, तो बहुत बड़ा सपोर्ट है। उनके आने से हमारे जीवन में बहुत सारे बदलाव आए हैं और उनके सहयोग से हम इतना कुछ आगे कर पाए हैं और करते रहेंगे। जहाँ एक तरफ वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, वहीं उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और आज महाराष्ट्र में जितने भी चक्रवाती तूफान ये सब आ रहे हैं, प्रभावित कर रहे हैं अपने लोगों के लिए, सरकार द्वारा पीड़ित असहाय गरीबों के पुनर्वास तथा राज्य की क्षतिपूर्ति और राहत को लेकर आपकी क्या क्या कार्य योजना है? आप कैसे कैसे सरकार को गाइड कर पा रहे हैं इन सब साथ को, इन सब चक्रवाती तूफान और इन सब आपदाओं के चलते हुए? देखिए, माननीय पूर्व केंद्रीय मंत्री जुएल उरांव ने इस प्रश्न का उत्तर तो पिछली बार भी दे चुके थे और इस कार्य योजना के लिए माननीय मोदी सरकार भली भांति कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा इन सब आपदा प्रबंधन विभाग और इन आपदाओं से प्रभावित लोगों के पुनर्वास को लेकर काम चल रहे हैं और अभी लॉकडाउन जैसे खत्म होता है, इस वैश्विक महामारी से निकलते हैं, तो ये सब सारे काम सुचारू रूप से चलेंगे। बिल्कुल सही बात है। एक आपसे एक प्रश्न और पूछूंगा, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मोदी सरकार द्वारा अपने प्रथम कार्यकाल के सफलतापूर्ण अवधि समाप्त के बाद सरकार द्वारा दूसरे कार्यकाल की अवधि के प्रथम वर्ष के अंतराल
देश और जनता के लिए किए गए कार्यों की संक्षिप्त व्याख्या जानना चाहते हैं आपसे। देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने सफलतापूर्ण तरीके से अपने प्रथम चरण समाप्त किया है, पूरा दुनिया में उनकी वाहवाही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की पूरे दुनिया के अंदर डंका बज रहा है कि उन्होंने जो कार्य करके दिखाया है। तो आज किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। कई जगह तो माननीय प्रधानमंत्री को जी को लोग भगवान की तरह पूज रहे हैं, भगवान की तरह पूज रहे हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी अगर नहीं आए होते अपने देश को संभालने के लिए तो उन दिनों पता नहीं क्या होता हम लोगों का हाल। और उनके आने के कारण आज हम लोग इतने आगे और इतने अच्छे तरीके से अपने जीवन को लेकर जा रहे हैं। और अभी दूसरे चरण में एक साल उन्होंने जो समय दिया है उसमें भी बहुत तरह की इन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता को दिया है, बहुत सारे देश और जनता के लिए बहुत सारे काम किए हैं जो किसी से छुपा नहीं जाता है। और इस विषय पर पहले ही माननीय केंद्रीय मंत्री जुएल भाई ने आपको जवाब दे चुका था, इसलिए हम इस विषय पर और ज्यादा कुछ ना कहते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देते हैं। बस एक क्लास जाते जाते जनता के नाम संदेश 10 न्यूज के माध्यम से और आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी आपके क्षेत्र के लोगों के नाम एक संदेश, बस जो भी आप देना चाहें इस चैनल के माध्यम से। जाते जाते हम आपको धन्यवाद करते हैं और देश के जनता से हम इस वैश्विक महामारी से निपटने के लिए धैर्य और हिम्मत को अपना ना खोएं। हम इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए अपने हिम्मत को बरकरार रखें और इस संकट से हम जरूर निकलेंगे एक दिन और अपने परिवार और बाल बच्चों और एक दूसरे का मदद करें, सहायता करें। आज इस महामारी से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तो जितना हो सके एक दूसरे का मदद करें, जो पीड़ित व्यक्ति हैं उन लोगों की सहायता करें और अपना बाल बच्चे परिवार अच्छी तरह से रहें घर में। महामारी से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और समय समय पर कोविड से बचने के जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनको परस्पर करते रहें, हमारी यही संदेश है आप सबों को, देश के सभी जनताओं को यही संदेश है। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन जी, वरिष्ठ बीजेपी नेता, नेशनल एडवाइजर एंटी कोरोना टास्क फोर्स, प्रेसिडेंट मशाल सोशल वेलफेयर सोसाइटी को आपको पुनः धन्यवाद 10 न्यूज को समय देने के लिए। धन्यवाद जी, नमस्कार।